दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा जो कि 18 जून से साउथैम्पटन में खेला जाएगा। बट दोस्तों इससे पहले टीम इंडिया ने इंटर स्क्वाड मैच खेली और इस वीडियो में बात करेंगे उस मैच का कौन था हीरो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है और एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि जितने भी मेजर बैट्समैन है जो कि कन्फर्म हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे वो एक टीम में थे और जितने भी मेजर बॉलर्स हैं जो कि फाइनल में नजर आ सकते हैं वो अपोजिशन टीम में थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है तकरार देखने को मिली, यहाँ पे विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह भी देखने को मिला, साथ साथ दोस्तों रोहित शर्मा वर्सेस जसप्रीत बुमराह देखने को मिला। बट दोस्तों बात की जाए रोहित शर्मा के बारे में सबसे पहले तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि बहुत ज्यादा लंबी बैटिंग उन्होंने नहीं की। साथ साथ बात करें दोस्तों चेतेश्वर पुजारा के बारे में तो वो भी सही नजर आ रहे थे, अपने स्लो जैसे दमखम से वो खेलते कुछ वैसे नजर आ रहे थे। इसके अलावा दोस्तों शुभमन गिल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहे थे, जैसे उनके लिए बातें बन रही कि अच्छा नहीं खेल रहे, बट दोस्तों बहुत ज्यादा इंप्रेस किया उन्होंने। कैप्टन विराट कोहली के बारे में बात करें दोस्तों तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि दोस्तों शमी की गेंदबाजी अच्छी थी, बट दोस्तों यहां पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे कैचेस वो ड्रॉप होते हुए भी नजर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं माइनस पॉइंट है टीम इंडिया के लिए। रविचंद्रन अश्विन भी अच्छा बॉल घुमा पा रहे थे। साथ साथ दोस्तों बात की जाए एनजीके रहाणे के बारे में तो वो दोस्तों कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमें नहीं नजर आते, हालांकि दोस्तों यहां पे बात करें मैन ऑफ द मैच के बारे में ऐसे तो टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ बट स्टिल गाइस ऋषभ पंत ने ऑलरेडी यहां पे 50 जड़ दी है और यहां पे डे वन खत्म हो चुका और यहां पे ये चीज क्लियर हो गई है कि टीम इंडिया बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है।